जितने भी जिहादी सबको काट देंगे अगर आज सामने आए तो। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, आम चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करवा रही है। आपने हरियाणा के मेवात में देखा, नूह में देखा, अब मध्य प्रदेश के खंडवा से ही ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी कांवड़ियों ने जिस तरह से शोभा यात्रा, धार्मिक रैली जो निकलती है, उसी तरह की एक रैली निकाली। उस रैली में जमकर उत्पात मचाया। पहले तो इन्होंने मस्जिद के बाहर जाकर भगवा लगाने की कोशिश की, उसके बाद ये मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, डीजे बजाकर गाने चलाकर जोर जोर से वहां पर चिल्लाते हैं, डांस करते हैं, खूब उत्पात मचता है। फिर शाम तक ये लोग वहीं पर पथराव करना भी शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। शर्मनाक बात तो यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। पुलिस वहां पर मुख दर्शक बनकर सब कुछ देख रही थी। ये सारा तमाशा जो है वो पुलिस की निगरानी में हो रहा था, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। सबसे पहले तो एक शख्स मस्जिद के बाहर मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देता है। जब उससे पूछा गया कि माहौल कैसा है, तब वो कहता है कि जो भी रास्ते में आएगा मुसलमान उसको आज काट देंगे। उसके बाद ये मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की कोशिश करते हैं और मस्जिद के बाहर ये लोग झंडा लगाकर वहां पर झंडा जो है वहां पर लहराते भी हैं। शाम होते होते ये लोग पथराव करने पर उतर आ जाते हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। मैं एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि मध्य प्रदेश के खंडवा में किस तरह से कांवड़ियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, ये सब उसी का नतीजा है। सवाल तो यह है कि इन लोगों को ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना कानून का डर है, तो आखिरकार इन लोगों के पीछे है कौन? इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अली सोहराब का ट्वीट देख रहे हैं। अली सोहराब ने उन तीनों वीडियो को एक साथ शेयर किया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि पहले हिंदू मस्जिद के सामने खड़ा होकर कहता है कि जितने भी जिहादी मुसलमान हैं सबको काट देंगे, फिर उसी जगह पर भगवा लगाते हैं और फिर हिंदू मुसलमानों पर पथराव करते हैं, मुस्लिम संपत्तियों पर हमला करते हैं और फिर संवैधानिक प्रशासन मुसलमानों के घर तोड़ देती है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है अली सोहराब ने वीडियो शेयर किया है। पहले वीडियो में ये शख्स जो है मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है, फिर मस्जिद के बाहर झंडा लगाया जाता है, झंडा फहराया जाता है, भगवा झंडा, उसके बाद शाम होते होते मस्जिद के बाहर हिंदू जो भी ये कांवड़ यात्रा है, जो भी ये लोग हैं, ये मुसलमानों पर पथराव करते हैं, वहां पर लोगों पर पथराव करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ, एक करके वीडियो दिखाती हूँ। द मुस्लिम ने कई वीडियो शेयर किए हैं। सबसे पहला वीडियो देखिए, ये शख्स जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है और ये मुसलमानों को मारने काटने की बात कह रहा है, कह रहा है कि जो भी सामने आएगा उसे काट देंगे। सुनिए इसे। खंडवा का माहौल कैसा क्या है? खंडवा का माहौल लगभग लगभग बहुत बढ़िया है और जितने भी जिहादी सबको काट देंगे अगर आज सामने आए। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, लोकेशन खंडवा एमपी यानी मध्य प्रदेश खंडवा का ये मामला है। मस्जिद के सामने मुसलमानों को काटने की धमकी कांवड़ यात्रा के दौरान की गई। युवक ने कहा है कि अशोक पालीवाल ने रैली हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा निकाली, लेकिन जब इससे माहौल के बारे में पूछा गया कि माहौल कैसा है, तो उसने कहा कि जितने भी जिहादी हैं अगर आज सामने आए तो काट देंगे और फिर रात में माहौल खराब किया। तो ये युवक जो है, ये जो शख्स आपको दिख रहा है व्हाइट टी शर्ट पहने, इसने ये भी ये जो है पूरा का पूरी ये बातें कही जो कोट करते हुए यहाँ पर द मुस्लिम ने लिखी है। बाद में जब इससे माहौल पूछा गया तो ये कहने लगा जो भी सामने आएगा उसको काट देंगे, जो भी जिहादी आज सामने आएगा उसको काट देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उकसाने के लिए किया जा रहा है, जैसे हरियाणा के मेवात में किया गया। दंगा एक दिन में नहीं भड़कता, हिंसा एक दिन में नहीं होती, इसके लिए तैयारी जो है वो कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती है। छिटपुट घटनाएं होती हैं, इसी तरह की रैलियां निकाली जाती हैं, एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, उनको गाली दी जाती है, मस्जिदों के बाहर डीजे बजाए जाते हैं और यही सब जो है यही सबसे शुरुआत हो जाती है माहौल को खराब करने की। दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें मस्जिद के बाहर जो है वो भगवा झंडा फहराया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा वीडियो आप देखें जिसमें द मुस्लिम ने शेयर किया है,
लिखा है कि इस्लामोफोबिया अपने चरम पर, भगवा झंडा लहराते हुए वीडियो का एंगल मस्जिद पर फोकस किया गया है। मस्जिद के बाहर वो भगवा झंडा लहरा रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर जो है, यहाँ पर एक शख्स उसके हाथ में भगवा झंडा है और वो भगवा झंडा यहाँ पर फहराता है। मस्जिद के बाहर की तस्वीर है, आप इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर देखी, दो तस्वीरें आपने देखी। पहला वो शख्स मस्जिद के बाहर खड़ा होकर के मुसलमानों को मारने काटने की बात कह रहा है। दूसरी तस्वीर आपने देखी, जिसमें ये शख्स जो है, तमाम ये जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो ये कावड़ यात्री हैं, ये वहां पर खड़े होकर के भगवा झंडा लहराते हैं, सब मस्जिद के बाहर हो रहा है। पुलिस भी आपको वहां पर दिखाई दे जाएगी। अब तीसरा वीडियो देखिए, जिसमें ये पत्थर चला रहे हैं। ये कावड़ यात्रा जो शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा निकालने के नाम पर उत्पात मचाते हैं, इनका असल सच क्या है? ये मस्जिद के बाहर मुसलमानों पर पत्थर मार रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप वीडियो में दिख रहे उनके कपड़ों से ही पहचान लेंगे, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में उनके कपड़े, उनकी जो भी उन्होंने पहन रखा है और जो भी उनका हाव भाव है, आप उन्हीं में से समझ जाएंगे कि ये लोग वही हैं जो मस्जिद के बाहर लगातार उत्पात मचा रहे हैं। देखिए वीडियो। वीडियो आपने देखा, वीडियो को द मुस्लिम ने ही शेयर किया है। लिखा है कि कावड़ियों ने की पत्थरबाजी, उसी मस्जिद के पास कावड़ियों ने मदरसे, दुकानों और दूसरी जगह पत्थरबाजी कर दंगा भड़काने का प्रयास किया। द मुस्लिम ने इस पूरे मामले को, द मुस्लिम नाम के ट्विटर पेज ने इस पूरे मामले को कई पार्ट्स में बांटकर बताने की कोशिश की है कि वहां पर पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आप उनका ट्वीट देख रहे हैं जिसमें पार्ट वन लिखा है। इसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं, कावड़ यात्री मस्जिद के सामने जाते हैं और वहां पर जमकर गाने बजाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, डांस करते हैं, हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं और खूब जोर जोर से गाने बजाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मस्जिद के सामने कावड़ यात्रा को रोक हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके बाद मस्जिद के पास में आते ही डीजे पर हनुमान चालीसा भी लगा दिया गया और कावड़ियों द्वारा बैठकर पाठ को जो है वो पढ़ा गया। चालीसा का पाठ पूरा होने पर कावड़ यात्रा जो है वो आगे बढ़ाई गई। दूसरा यहाँ पर पाठ है जिसमें लिखा है कि मस्जिद के सामने कावड़ियों का दूसरा समूह पहुंचा तो उन्होंने भी यात्रा रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया, बैठकर इसका पाठ किया। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह दंगा करने के लिए ये तरीके जो हैं वो अपनाए गए हैं। दंगा एक दिन में नहीं भड़कता है, इसके लिए पहले दिन से तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी यही चीजें देखने को मिल रही है। ये जो धार्मिक यात्रा के नाम पर, कावड़ जुलूस के नाम पर जिस तरह से मस्जिद के बाहर जाकर माहौल खराब कर रहे हैं, पुलिस वहां पर सिर्फ तमाशा देख रही है, कई तरह के सवाल खड़ा करता है कि आगे इनकी क्या मंशा है और इन लोगों को किसी से डर क्यों नहीं लगता है, इनके ऊपर क्यों कोई नहीं है। तीसरा पार्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि मस्जिद के सामने अवैध हथियार के साथ लगाए आपत्तिजनक गीत व नारे, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस तरह के नारेबाजी जो है मस्जिद के बाहर की गई। राम जी के कौम में टांग जो अड़ाएगा, राम जी की कसम वो जिंदा नहीं जाएगा, ये भी एक नारा जो है, इस तरह के गीत, इस तरह के गाने जो है ये बजाए गए मस्जिद के बाहर। ये नारे पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के सामने लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक राज्य में इस तरह से सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा का आपने देखा कि हरियाणा के नूह में, मेवात में किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़की एक धार्मिक जुलूस के बाद, और यहां पर भी वही सब चीजें, वही सब तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के खंडवा में जिस तरह से ये भगवाधारी मस्जिद के बाहर उत्पात मचा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अवैध हथियार वहां पर लहरा रहे हैं और इसी के साथ भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।